सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो हमने जो है आउटलाइन क्रिएट किया था गिलियन के थ्रू। जो भी वीडियो देखो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो रेफरेंस पिक आप देख रहे हो, ये वाला पिक का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो ड्रॉइंग देख रहे हो गाइस, जो मैं बनाया हूँ, तो इसको किस तरह से बनानी है इस एपिसोड में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं दो पेंसिल यूज करके जो है यहाँ पर जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हो तो इसको बनाया हूँ। जो कि पहले हो गया जो डोम्स का जो एजी पेंसिल आता है इसका यूज किया हूँ, और जो आर्टलाइन का एडी पेंसिल है इसका यूज की गई। जो ड्राइंग है जो शाहरुख खान सर का जो ड्राइंग है मैं यहाँ पर कंप्लीट से बनाया, और जो भी बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह जैसे कि ब्लेंडिंग टूल जो हो गया और जो हाइलाइटिंग टूल है वो यूज किया हूँ। जो भी जहाँ पर यूज करने वाला हूँ आप लोगों को आगे वीडियो में जो है जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो एचबी पेंसिल आप देख रहे हो जो डोम्स का, उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइट से डार्क शेडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है जो आई पार्ट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पहले एक लेयर दे रहा हूँ जो डार्कर एरिया, वहाँ पर भी थोड़ी सी यहाँ पर जो है प्रेशर देके यहाँ पर जो है शेडिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आईबॉल या जो आईलेस वगैरह आप देख रहे हो तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रेशर लगा के दे रहा हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। एक लेयर दे रहा हूँ, उसके बाद सेकंड लेयर में गए जहाँ पर शेडो पड़ रहा है तो उसको ऑब्जर्व करके रेफरेंस जिस तरीके से है उसी जगह पर जो है जहाँ पर शेडो पड़ रहा है उस जगह पर मैं उसी पेंसिल के थ्रू ही मैं सेकंड लेयर यहाँ पर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर को मैं डायरेक्ट ब्लेंड नहीं किया, उसी लेयर में ही मैं जो है सेकंड लेयर यहाँ पर दे दिया। उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ। तो ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर जो मेकअप ब्रश आता है, जो मेकअप ब्रश तो जो फ्लैट ब्रश भी आप बोल सकते हो, तो उसको यूज करके गए यहाँ पर जो है ब्लेंड करने वाला हूँ। तो अभी देखो जो मेकअप ब्रश है इसका यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर आप जो नॉर्मल ब्रश आता है जो फ्लैट ब्रश उसका यहाँ पर यूज कर सकते हो, नहीं तो जो ब्लेंडिंग स्टोन वगैरह है उसका भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा ब्रश ही यूज करना। तो इस लेयर को मैं जो है ब्लेंड वगैरह करने के बाद आगे जो है जो एडी पेंसिल जो आर्टलाइन का है उसका यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा कि जो दो पेंसिल है, जो आर्टलाइन का एडी पेंसिल और जो डोम्स का एचबी पेंसिल, दोनों का यूज करने वाला हूँ। तो अभी देखो जो एडी पेंसिल आप देख रहे हो जो आर्टलाइन का, उसका यूज करके यहाँ पर जो है जहाँ पर डार्क कलर है जैसे कि आईलेसिस वगैरह जो आई वॉल वगैरह, तो वहाँ पर जो है मैं एक लेयर देने वाला हूँ। जो शेडो पड़ रहा है देखो जो ब्लेंडेड में जो लगा हुआ है तो उस एरिया पर जो है थोड़ी सी शेडो पड़ रहा है, तो उस एरिया पर मैं जो है यहाँ पर जो एडी पेंसिल है उसका यूज की जो है यहाँ पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रेशर भी कंट्रोल कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कि मैं डायरेक्ट जो है डार्क कर रहा हूँ। तो जहाँ पर थोड़ी सी लाइट एरिया जो मिड टोन एरिया है तो वहाँ पर थोड़ी सी कंप्रेसर लगा के जो है शेडिंग किया, और जहाँ पर डार्क एरिया वहाँ पर थोड़ी सी प्रेशर लगा के जो है यहाँ पर मैं शेडिंग किया हूँ। तो देखो इस लेयर को भी मैं आगे जो है ब्लेंड करने वाला हूँ। तो ब्लेंड करने के लिए वही जो सेम है जो जो ब्रश मेकअप ब्रश उसका यूज करके जो यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से आप लोग को ब्लेंड करना है, राउंड तरीके से आप यहाँ पर ब्लेंड कर सकते हो, ज़्यादा प्रेशर मत देना ब्लेंड करते समय, तो वो चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी जो है जो भी छोटी बड़ी डिटेलिंग है उसको करने वाला हूँ, जैसे कि हाईलाइटेड वगैरह, तो उस पार्ट को अभी जो है करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हाईलाइट देने के लिए गाइस जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर आप देख रहे हो तो इसका यूज करके यहाँ पर जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर जो है हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। और थोड़ी बहुत जो साकुरा का हरी जीरो रोल पेन आता है उसका भी आगे जो है यूज करके गाइस यहाँ पर जो है हाईलाइट वगैरह यहाँ पर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप साकुरा का हरी जीरो रोल पेन के बदले जो व्हाइट नोट आता है उसका भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, नहीं तो जो है इरेजर से भी आप इरेज कर सकते हो। आपके पास टोम्बो का इरेजर नहीं है तो जो नॉर्मल इरेजर आता है उसका भी यूज करके जो है यहाँ पर जो है हाईलाइट वगैरह दे सकते हो थोड़ी सी कट करके। एक पर्टिकुलर वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो अभी जो है नोज पार्ट में आया हूँ। तो अभी देखो जो नोज पार्ट में सेम प्रोसेस होने वाला हूँ, लाइट डार्क शेडिंग करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो नोस्टिल एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग कर रहा हूँ, वहाँ पर डार्क हो रहा है लेकिन वहाँ इसमें से ज़्यादा डार्क नहीं करने वाला हूँ, प्रेशर ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ। थोड़ी सी कंप्रेसर लगा के यहाँ पर जो है मैं शेडिंग किया और एक लेयर देने वाला हूँ। उसके बाद रेफरेंस को स्टडी करके जहाँ पर भी शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके फिर से एक लेयर देने वाला हूँ। तो आप लोगों को रेफरेंस वगैरह डाउनलोड करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। तो वो फोटोग्राफ को डाउनलोड कर आप लोगों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है लाइट शेडो को, कहाँ पर लाइट है कहाँ पर शेडो, कहाँ पर जो है हाईलाइटेड पार्ट है उस एरिया को आप लोगों को देख के जो है यहाँ पर आप लोगों को शेडिंग करना है। जहाँ पर पूरी तरह से हाईलाइटेड एरिया होता है उस एरिया को आप लोगों को थोड़ी सी छोड़ना है, आपके पास इरेजर नहीं है तो उस एरिया पर डायरेक्ट आप लोगों को छोड़ ही देना है। तो वही बात है, और हाईलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हाईलाइट नहीं दोगे तो जो आप भी ड्रॉइंग बना रहे हो वो फ्लैट लगने वाला है। देखो अभी जो फर्स्ट और सेकंड लेयर दे दिया हूँ उसको अभी जो है ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश के थ्रू। आप यहाँ पर जो ब्लेंडिंग स्टोन या जो कॉटन बोर्ड आता है उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर जो है जो एडी पेंसिल आर्टलाइन का उसका यूज करके गाइस जहाँ पर भी शेडो एरिया मतलब जहाँ पर डेप्थ एरिया उस डेप्थ को ऐड करने वाले, जो नोस्टिल एरिया और जो शेडो देखो नाक के ऊपर में जो एकाएक जो छुप गया है ना उसके एरिया में जो है डार्क एरिया है, तो रेफरेंस में आप देख लेना तो डाउनलोड करके। तो उस एरिया पर जो है मैं थोड़ी सी जो है एडी पेंसिल यूज करके जो है प्रेशर लगा के जो है वहाँ पर शेडिंग करने वाला हूँ। तो जहाँ पर डार्क कलर दिया वहाँ पर थोड़ी सी प्रेशर लगाना है, नहीं हो पा रहा है तो पूरी तरह से डार्क, नहीं तो आप जो है नॉर्मल जो है पेंसिल से भी आप जो एडी पेंसिल हो उससे भी आप यहाँ पर जो है शेडिंग करके जो है डार्क कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर टेनी पेंसिल यूज करना। मैं यहाँ पर जो है देखो एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, मैं यहाँ पर दो पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है तो आप ऐसे नहीं है कि आप भी जो है दो पेंसिल यूज करना, आप जो डिफरेंस ग्रेड का पेंसिल आता है उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसे कि HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, उसी तरह से आप जो ग्रेड वाला पेंसिल है उसका यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अभी जो है हाईलाइट दिया हूँ, तो हाईलाइट देने के बाद अभी जो है
जो लीप पार्ट है उस पार्ट में आओ, तो यहाँ पर थोड़ी सी डार्कर पार्ट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्रोसेस सेम रखा हूँ। पहले एक लेयर देने वाला हूँ डोम्स का, जो HB पेंसिल है उसका यूज करके एक लेयर दे। जो मिडिल में थोड़ी सी लाइन है वो डार्कर आप लोगों को करना है, तो HB पेंसिल आगे यूज करने वाला हूँ। वो डार्कर पार्ट है जो लाइन है, तो मिडिल दोनों लिप में जो मिडिल में जो लाइन है तो उसको जो है डार्क करने वाला आगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लेयर दे के ब्लेंड कर दिया, उसके बाद सेकंड लेयर में जहाँ पर शेडो पड़ रहा है थोड़ी सी ऑब्जर्व की, यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट देने वाला हूँ। हाईलाइट देने के लिए टोम्बो का इरेजर यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। टोम्बो का इरेजर नहीं तो आप जो नॉर्मल इरेजर रहता है जो 5 रुपये जो 3 रुपये में जो इरेजर रहता है उसको कट करके जो यहाँ पर आप हाईलाइट वगैरह दे सकते हो। तो उसके बाद जो है ये लिप वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो बियर्ड और मूछे पार्ट है उसको बनाने वाला हूँ। तो बियर्ड और मूछे पार्ट बनाने के लिए गाइस आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, मैं चारकोल पेंसिल यूज नहीं करने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियो में मैं बहुत सारे ड्राइंग में मैं चारकोल पेंसिल चारकोल पाउडर यूज किया जो है मैं हेयर वगैरह बनाया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है मैं चारकोल पेंसिल ना यूज करके जो ग्राफाइट जो पेंसिल मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ, दो पेंसिल पहले ही आप लोगों को बता दिया था, जो HB और जो HB पेंसिल है उसका यूज किया जो बियर्ड और मूछे पार्ट है बनाने वाला हूँ। तो पहले आप लोग को हेयर की डायरेक्शन को फॉलो करना है, इस तरह से हेयर की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में जो है आप लोगों को एक ही हेयर की डायरेक्शन को देखते हुए एक एक स्ट्रोक लगानी है, एक एक हेयर को ड्रॉ करनी है। यहाँ पर छोटे छोटे हेयर है गाइस, आप लोग को देख के आप लोग को जो है एक एक हेयर की स्ट्रोक को लगानी है, आप लोग को देनी है। तो थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन जो डिटेलिंग आएगा गाइस जो भी आप बनाओगे वो लास्ट में जो है रियलिस्टिक लुक आएगा, नहीं तो आप कचड़ा कर दोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोगों को रेफरेंस स्टडी करना है हेयर की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, एक लेयर लाइट पेंसिल्स के यूज करके जो है आप लोगों को एक लेयर दे देनी है। आपके पास HB नहीं है तो आप 2B पेंसिल यूज करना, नहीं तो आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है तो उसका भी यूज कर सकते हो, नहीं तो जो न्यूट्रल पेंसिल डालता है उसका भी यूज करके जो है यहाँ पर फर्स्ट लेयर दे सकते हो। उसके बाद इसको ब्लेंड करके जो है ब्रश से मैं ब्लेंड करने वाला हूँ। यहाँ पर आप कॉटन बोर्ड वगैरह जो जो ब्लेंडिंग स्टोन है उसका यहाँ पर यूज ना करना, जो ब्रश है उसका यूज करके जो है आप लोग को थोड़ी सी ब्लेंड कर देनी है। तो ब्लेंड करने के बाद जहाँ पर भी डार्कर हेयर है तो उस एरिया पर जो है HB पेंसिल यूज करके जो है फिर से एक लेयर देने वाला हूँ डायरेक्शन फॉलो करते हुए। उसके बाद जो है ब्लेंड वगैरह करके थोड़ी बहुत आगे जो है हाईलाइट देने वाला हूँ। तो देखो किस तरह से यहाँ पर बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस जो मुछे और जो बियर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पर जो बाकी एरिया है जैसे कि जो चीक एरिया थोड़ी सी दिख रहा है और जो 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 एरिया है, तो उस एरिया को जो है मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर जो है HB पेंसिल जो डोम्स का उसके उसको यहाँ पर दे रहा हूँ, जिस तरह से बाकी स्किन टोन एरिया को बनाया था उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर देना है। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके सेकंड लेयर दे रहा हूँ, तो उसी पेंसिल थ्रो ही सेकंड लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद इसको भी ब्लेंड करके जहाँ पर डार्कर दिख रहा है तो वहाँ पर थोड़ी सी डार्कर पेंसिल यूज करने वाला हूँ, नहीं तो इसी पेंसिल यूज करके ही मैं यहाँ पर जो है शेडिंग करके ब्लेंड वगैरह करके लास्ट में थोड़ी बहुत हाईलाइट देके जो है जो स्किन टोन एरिया है उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद गाइस जो आप देख रहे हो जो जो फेस एरिया पे जो कवर हुआ है जो मतलब जो बैंडेड जो जो लगे हुए हैं तो उसको मैं बनाने वाला हूँ, जो कपड़ा है उसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो जो बैंडेड है तो वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर है, तो उस तरह से आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है, रेफरेंस को स्टडी करके आप लोगों को बनाना है, स्ट्रक्चर वगैरह को आप लोगों को देख के यहाँ पर बनानी है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद जो है आगे बताऊँगा आप लोगों को। देखो तो अभी देखो जो बैंडेड है उसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी गाइस जो लाइट से डार्क शेडिंग करने वाला हूँ, तो प्रोसेस सेम रखने वाला हूँ। पहले जो HB पेंसिल है उसके जो एक लेयर देना हो देखो अभी, उसके बाद सेकंड लेयर भी उसी पेंसिल थ्रू जहाँ पर शेडो पड़ रहा है उसको देखते हुए, जो भी टेक्सचर है उसको देखते हुए यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी सी जो HB पेंसिल आप देख रहे हो उसका यूज करना जहाँ पर डार्कर पार्ट है, जैसे कि डार्कर लाइन वगैरह है जहाँ पर शेडो पड़ रहा है डार्कर एरिया है, तो डेप्थ ऐड करने के लिए HB पेंसिल यूज किया। उसके बाद ब्लेंड करके जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। तो इसी प्रोसेस से जो है मैं बाकी एरिया को भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखो
ऊपर साइड जो बैंडेज पार्ट था उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी फिलहाल जो शार्ट पार्ट आप देख रहे हो नीचे के साइड, तो उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस एक ही पेंसिल यूज कर रहा हूँ जो एडवी पेंसिल है 8 लाइन का, उसी पेंसिल थ्रू गाइस जो जो शार्ट पार्ट है उसको जो है कम्प्लीट तरीके से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर लाइटर एरिया है वहाँ पर भी इसी पेंसिल यूज करने वाला हूँ, जहाँ पर डार्कर एरिया है इसी पेंसिल यूज करने वाला हूँ। एक ही पेंसिल जो है पूरी जो शार्ट पार्ट है उसको बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को प्रेशर कंट्रोल सिर्फ करना पड़ता है। तो गाइस प्रेशर कंट्रोल किस तरह से करना है, देखो आप लोगों को पेंसिल को पीछे पोड़ के जो आप शेडिंग करोगे तो थोड़ी सी लाइट शेडिंग होगा, और आगे पोड़ के जो है शेडिंग करोगे तो डार्क डार्क होगा, और जहाँ पर एक्सट्रीम डार्क है वहाँ पर थोड़ी सी आप यहाँ पर प्रेशर लगा सकते हो। तो इसी तरह से जो है आप लोग को यहाँ पर शेडिंग करना है। तो रेफरेंस को स्टडी करना है, जो भी पैटर्न वगैरह आप देख रहे हो जो आर्मी का जो थोड़ी सी पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, तो उसी तरह से आप लोग को रेफरेंस स्टडी करते हुए आप लोगों को जो भी पैटर्न वगैरह उसी तरह से आप लोग को यहाँ पर शेडिंग वगैरह करना है। तो शेडिंग वगैरह करने के बाद गाइस लास्ट में जो है आप लोग को ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर जो ब्रश है उसका यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर आप जो कॉटन बोर्ड है उसका भी यूज कर सकते हो, नहीं तो जो ब्लेंडिंग स्टोन आता है उसका भी यहाँ पर यूज करके जो है यहाँ पर ब्लेंड वगैरह कर सकते हो। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लोग को स्टडी करके ही आप लोग को यहाँ पर जो है शेडिंग ब्लेंडिंग करना है, और लास्ट में जो है आप लोग को हाईलाइट देना है। तो हाईलाइट देने के लिए गाइस यहाँ पर जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करने वाला हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर जो डोम्स का इरेजर हुआ था नॉर्मल इरेजर हुआ था उसका भी यूज करके जो है यहाँ पर हाईलाइट वगैरह दे सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा जो है तकलीफ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्जर्व करके यहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट को मैं थोड़ी सी छूट दी, यहाँ पर मैं हाईलाइट जो है शेडिंग वगैरह किया हूँ। तो देखो किस तरह से यहाँ पर टी शर्ट पार्ट को बनाता हूँ। उसके बाद जो टी शर्ट पार्ट बनाने के बाद थोड़ी सी देखो जो नेक पार्ट बच गया है ना गाइस, उस पार्ट को आगे बनाने वाला हूँ। उसके बाद जो दूसरे साइड की जो राइट साइड की जो टी शर्ट पार्ट जो शर्ट पार्ट है उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ टोम्बो का इरेजर देख के यूज करके, तो रेफरेंस को स्टडी करके यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हाईलाइट देने के बाद थोड़ी सी जो है रियलिस्टिक फील आएगा, नहीं तो रियलिस्टिक फील नहीं आने वाला है। तो अभी देखो जो नेक पार्ट है वहाँ पर जो है शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप लोग को प्रोसेस सेम रखनी है। यहाँ पर जो है पहले जो एजी पेंसिल है डोम्स का उसका यूज किया हूँ जो फास्ट लेयर देने के लिए, बेस लेयर देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर शेडो पर है उसका उसको देखते हुए रेफरेंस को स्टडी करते हुए यहाँ पर सेकंड लेयर दे रहा हूँ उसी पेंसिल के थ्रू ही। उसके बाद इसको आगे जो है ब्लेंड करने वाला हूँ ब्रश के थ्रू। ब्लेंड करने के बाद जहाँ पर भी डार्क रहा है उस एरिया पर जो एडी पेंसिल है उसका जो है यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो शेडिंग करने के बाद इसको भी ब्लेंड वगैरह करके आगे थोड़ी बहुत जहाँ पर हाईलाइट एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो है हाईलाइट देने वाला हूँ। तो उसके बाद देखो जो नेक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जो दूसरे साइड की जो शर्ट पार्ट है और जो राइट साइड का पार्ट है तो उस पार्ट को जो है यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। तो जिस तरह से लेफ्ट साइड की जो टी शर्ट पार्ट जो शर्ट पार्ट बनाया था उस तरह से यहाँ पर जो राइट साइड की शर्ट पार्ट है उसको भी बनाने वाला हूँ, लास्ट में हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। तो देखो किस तरह से जो ड्राइंग है बनाता हूँ। और इस चीज़ की जो भी अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं थी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी बजा देना, इसको ड्रॉ करके जो है मेरे को भेज सकते हो। बहुत सारे आर्टिस्ट जो है बिगनर आर्टिस्ट इसको ड्रॉ करके मेरे को भेजे हैं, जो आउटलाइन वीडियो था तो जो आउटलाइन ड्राइंग बनाया था तो वो ड्रॉ करके मेरे को भेजे हैं। तो इसको भी ड्रॉ करके मैं चाहता हूँ कि आप ड्रॉ करो और मेरे को भेजो, जो भी मिस्टेक वगैरह हो गया तो मैं वहाँ पर जरूर सुधारने की कोशिश करूँगा आप पूछोगे तो, नहीं तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। और मैं ज़रूर आप लोगों को आप लोग टैग करोगे तो मैं ज़रूर उसको जो है मैं स्टोरी में डालूंगा, तो देखूंगा जिन लोग ड्रॉ करते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर गाइस न्यू ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।